हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो साथियों आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसा कि मेरे पास काफी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, प्रेफरेंस लेटर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले परसों मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हालांकि कल जो मॉर्निंग न्यूज थी वो आ नहीं पाई थी, तो परसों एक क्वेश्चन दिया था। तो साथियों क्वेश्चन क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है, अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है। तो साथियों अभी हमारे जो नए रक्षा मंत्री बने हैं वो हैं राजनाथ सिंह, मतलब मिस्टर राजनाथ सिंह अभी हमारे रक्षा मंत्री हैं। तो इस पर जो करेक्ट आंसर आए हैं, पूनम चौहान, मनीषा राजपाल, पूजा तनवर, प्रताप पवार, नवीन कुमार। तो इन साथियों का दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले पूनम चौहान जी का करेक्ट आंसर आया है। इसके बाद जो आज के लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज का क्या नाम था, मतलब ऐसा अंग्रेज जो मुगल दरबार में सबसे पहले आया था तो उसका आपको नाम बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो साथियों आप इस पर जरूर आंसर दें और टॉप 5 कमेंट्स को आगे पढ़ा जाएगा। तो अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं कि प्रेफरेंस लेटर आ चुके हैं और काफी कैंडिडेट्स के अभी नहीं आए हैं, तो काफी कैंडिडेट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या हमारे प्रेफरेंस लेटर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले साथियों मैं बताना चाहता हूं कि प्रेफरेंस लेटर होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो एक बार आप सुन लीजिए। प्रेफरेंस लेटर का मतलब होता है कि आपको 3 प्रेफरेंस मिलेंगे, 3 ऐसी जगह मिलेंगी जो आप चुन के बता सकते हैं कि मुझे यहां पे जॉब चाहिए। जैसे आप कुछ हरियाणा से हैं, जैसे फरीदाबाद साइड से हैं, तो आप दिल्ली के मतलब बहुत ही पास वाली जगह आप चुनेंगे कि हमें इस जगह, हम चाहते हैं कि ये 3 प्रेफरेंस में से हमें जॉब दी जाए। तो प्रेफरेंस में यही होता है। और हालांकि जो प्रेफरेंस होता है, प्रेफरेंस लेटर के अकॉर्डिंग जो फिजिकली हैंडीकेप्ड है उनकी प्रेफरेंस को सबसे पहले माना जाता है। तो साथियों अभी हम बात करते हैं, जो प्रेफरेंस लेटर अभी आ चुके हैं और काफी कैंडिडेट्स के नहीं आए हैं, तो उन कैंडिडेट्स के मन में जरूरी ये क्वेश्चन है कि हमारे प्रेफरेंस लेटर क्यों नहीं आए हैं और नहीं आए तो क्या आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो साथियों आप बेफिक्र रहें, प्रेफरेंस लेटर सभी के आपके घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी जो प्रेफरेंस लेटर आए हैं, क्योंकि प्रेफरेंस लेटर बहुत सारे हैं, ये ऐसे नहीं कि एक साथ आपके पास मतलब पोस्ट कर दिए जाए, तो अभी क्या है वो ही प्रेफरेंस लेटर आए हैं 14, 16 और 18 जून को जो जमा करने हैं, 14, 16 और 18 जून को जो जमा करने हैं वही प्रेफरेंस लेटर अभी आए हैं। अभी क्या है कि जो प्रेफरेंस लेटर और बचे हुए हैं वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और जिन साथियों के आ चुके हैं प्रेफरेंस लेटर वो जल्दी से जल्दी मतलब अपनी सारी डिटेल वगैरह करके अपने प्रेफरेंस लेटर जो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे सबमिट कर देंगे। तो साथियों यही अपडेट है अभी आप लोगों के लिए, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। जिनके प्रेफरेंस लेटर नहीं आए हैं वो 1 या 2 दिन के अंदर, या मतलब आप बोल सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको प्रेफरेंस लेटर देखने को मिल सकते हैं। तो यही अपडेट थी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी काफी कैंडिडेट डरे हुए बैठे हैं कि हमारे प्रेफरेंस लेटर अभी आए नहीं है, क्या आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, प्रेफरेंस लेटर सभी के आ चुके हैं। क्योंकि बात बोली जाती है ना कि यू हैव वन द बैटल, जो आपकी असली जो लड़ाई थी, असली जो बैटल था वो आप जीत चुके हैं, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 1% अगर नहीं भी आता है तो प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आप कहां पे जॉब करना चाहते हैं। अगर 1% नहीं आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर डीएसएस भी अपने अकॉर्डिंग आपको कहीं पे जॉब दे देगा। तो ये है, सबसे पहले तो हम दुआ ये करते हैं कि सभी को प्रेफरेंस लेटर मिले। अगर नहीं मिलते हैं तो आप डीएसएस भी ऑफिस जाके विजिट कर सकते हैं। तो साथियों यही अपडेट है। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और लगता है कि वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया है तो साथियों आप बेफिक्र बेझिझक वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।